एमपी विधानसभा की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम दलों का चुनावी शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पहले से भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बीजेपी के सामने अब नई मुसीबत आ गई है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ आरएसएस के ही पूर्व प्रचारकों ने मोर्चा खोल लिया है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से राजनीतिक दलों पर शासन में सुधार के लिए दबाव बढ़ेगा। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने भोपाल में अपने पूर्व सहयोगी के साथ एक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि संघ के कुछ पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी का गठन किया है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। बीजेपी के वोट में सेंध लगाने का दावा। अभय जैन ने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी के वोटों में सेंध लगाएगी। साथ ही कहा कि हम 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में वहां नहीं थे जब बीजेपी हार गई थी। तब बीजेपी के वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। लोग बीजेपी से नाखुश हैं, लेकिन हिंदू मानसिकता रखते हैं, वो हमें पसंद करेंगे। अगर 5 वोट बीजेपी खो देती है तो राजनीतिक अंगणित के अनुसार कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होगा। बीजेपी के घर में पड़ी स्फूट पर कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो अपेक्षित कदम है। जब भाजपा में आरएसएस व जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी एवं भ्रष्ट दलाल ठेकेदारों की पूछ होगी, तो ये तो होना ही था। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके विचारों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करता हूं। अब चुनाव से बिल्कुल पहले आरएसएस के पूर्व प्रचारकों की इस पार्टी से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा।